प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम आपके लिए लेकर के आए इम्पॉर्टेंट सूचना, खास करके यदि आप टीचर वैकेंसी की किसी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके टीजीटी पीजीटी की, तो सभी सब्जेक्ट के लिए आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अटल आवासीय विद्यालय में बम्पर भर्ती है, टोटल 18 आपके अटल आवासीय विद्यालय हैं, सभी मंडल में बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के सभी मंडल में। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या किसी और राज्य के पास पड़ोस के राज्य के निवासी हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे कि पदों की संख्या कितनी है, कितना आपको वेतन मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी टोटल ऑल सब्जेक्ट में कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, कितने पद हैं, ये भी बताएंगे। साथ में आपके 18 मंडल में हैं तो आप अपने मंडल में भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे मंडल में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एज क्या होनी चाहिए इस पे चर्चा करने वाले, नोटिफिकेशन कितने डेट में जारी होगा, कैसे आप फॉर्म भर पाएंगे इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बीएड होना चाहिए, टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी टोटल जानकारी, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइमरी टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। चैनल आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, साथ में क्लासेस, नोट्स, ये सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि निःशुल्क होता है। कुछ सब्जेक्ट के लिए आपसे बहुत मिनिमम अमाउंट में फीस ली जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। प्राइमरी टीचर की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यह एक वीडियो टोटल सभी जितनी भी जानकारियां आपके मन में जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन के लिए यहां पे हमने अपडेट कर दिया। टोटल 20 मिनट का ये वीडियो है और हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन से 20 मिनट निकाल करके यह वीडियो जरूर देखें, जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। और आप प्राइमरी टीचर भर्ती की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप अवश्य इसको देखें। चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं अटल आवासीय विद्यालय की। मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, एक एक चीज़ें आप सुनते जाइए, समझते जाइए। पहली चीज़ हम बता दें, टोटल पदों की संख्या अगर बता दें तो टोटल पदों की संख्या है 216। पदों की संख्या कितनी है? 216 पद हैं। अभी ध्यान से सुनते रहिए, भागिए मत, काम की बातें बता रहे हैं। जो नोटिफिकेशन है ये आपका जारी हो चुका है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकेंगे 31 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जानकारी, तीसरी जानकारी हम आपको एक एक करके बताएंगे। प्रदेश में सभी 18 मंडलों में संचालित किए जाने वाले अटल आवासीय विद्यालय के लिए 31 मार्च तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, ठीक है। इनमें प्रशासनिक अधिकारी के 18 पद हैं, यानी प्रशासनिक अधिकारी के टोटल 18 पद हैं, यहाँ पर हमने लिखे नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी के 18 पद हैं जो यहाँ पर हेड होंगे, जो इसको देखेंगे। और इसके साथ साथ 198 पद जो हैं आपके वो किमें हैं, आपके शिक्षक के पद हैं, 198 टीचर के पद हैं शामिल हैं। सभी पद एक वर्ष के लिए संविदा पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पद क्या हैं, एक वर्ष के लिए संविदा पर हैं। टोटल जानकारी सुन के जाइएगा, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, सबको ध्यान से सुनिएगा। अभी आप ध्यान से समझेंगे, और संविदा सिर्फ कहने के लिए, जैसे बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे थे कि वो संविदा पे थे लेकिन आज भी काम कर रहे हैं, होमगार्ड संविदा पे थे काम कर रहे हैं, सभी लोग काम करेंगे। तो अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप ये मान चलिए कि आपके लिए नौकरी पक्की है, भले 11 महीने की सैलरी मिलेगी लेकिन सैलरी बहुत अच्छी। मैं एक एक करके सारी जानकारी दूंगा, भागिए मत, पूरा वीडियो देख कर जाइए, परेशान होने की आवश्यकता एकदम नहीं है, ठीक है। आगे सुनिएगा क्या क्या है। उसके बाद कहा जा रहा है कि लखनऊ स्थित गोमती नगर अटल आवासीय विद्यालय समिति के मुख्यालय से यह आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रतिवर्ष 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, ठीक है। प्रति विद्यालय 11 शिक्षक, यानी एक एक विद्यालय में 11 शिक्षक की नियुक्ति होनी है। आप सोच लीजिए कि 198 टीचर की नियुक्ति होनी है, 18 आपके मंडल में विद्यालय हैं और आपके, ठीक है, हर मंडल में मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी और 18 आपके जो हैं क्या 11 आपके टीचर एक मंडल में होंगे। हर विद्यालय में एक प्रशासनिक अधिकारी होगा जिसका मानदेय 1,05,000 रुपये प्रति महीने होंगी। 1,05,000 रुपये, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी जिसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं उसकी सैलरी प्रति माह 1,05,000 रुपये है अटल आवासीय विद्यालय में। अगली चीज़ सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, होगी शिक्षकों का प्रतिमाह जो वेतन है वो 62,000 रुपये आपका मानदेय मिलेगा। 62,000 रुपये प्रतिमाह आपको मानदेय मिलेगा, यानी जो टीजीटी पीजीटी की जो सैलरी है वह सैलरी आपको दी जाएगी अगर आप हैं। बस 11 महीने आपको मिलेगी, आप परमानेंट जॉब में नहीं होंगे। इन विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को आवास दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी के लिए आवेदन की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आप 50 वर्ष से कम हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी में फॉर्म भर सकते हैं। 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है।
होनी चाहिए। जबकि शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र मैक्सिमम उम्र कितनी है, अगर 65 साल तक आप शिक्षक में हैं और मतलब 65 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 21 साल से लेकर के 65 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, upbobcw.in पे अप्लाई करना है। हम सुबह आपको एक दूसरे वीडियो में अप्लाई करने के पूरे फॉर्म को अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं तो आप जुड़ेंगे इस बात को समझ पाएंगे। अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के प्रशासनिक, एक सेकंड, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन ऐसे लिए जाएंगे, हम आपको बता देंगे। पहले यह आपका 31 मार्च तक अब आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे कुल पदों का, रिक्तियों का अगर वर्णन कर दें तो टीजीटी हिंदी के टीचर चाहिए, इंग्लिश के टीचर चाहिए, गणित के टीचर चाहिए, विज्ञान चाहिए, सामाजिक अध्ययन के चाहिए, और पीईटी पुरुष महिला चाहिए, और उसके बाद कला के टीचर चाहिए, संगीत, कंप्यूटर, जीके, संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट के टीचर आपको चाहिए, यानी टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, इनके टीचर आपको चाहिए हर विद्यालय में। और इनके अगर आप एलिजिबल हैं, यानी आप अपने सब्जेक्ट में टीजीटी की आपके पास योग्यता है, तो आप टीजीटी की योग्यता का मतलब कि आप अगर बीएड किए हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 11 महीने की जॉब है, 11 महीने आपको सैलरी मिलेगी। टीचर की सैलरी 62,000 रुपये है, और जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जिसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं उसकी जो सैलरी है वह सैलरी 1,05,000 रुपये है। आवेदन कैसे करना है इसका पूरा वीडियो डिटेल में आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको सारा डिटेल वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के हम आपको दिखा देंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और उसके शुल्क वगैरह सब कुछ हम आपको बता देंगे, ठीक है। शुल्क बहुत मिनिमम है, आप निश्चिंत होकर के फॉर्म भरिए, इंटरव्यू दीजिए, पेपर दीजिए, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी सैलरी जो भी होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।